Hello students, today we will start Thorndike's theory, trial and error theory. Thorndike's theory ko stimulus response theory bhi kehte hain. Thorndike ek American psychologist the. Unhone kafi bahut sare experiments kiye the animals pe, jaise cats pe, dogs pe aur fish pe, lekin unka ek famous experiment hai jo cat ke upar hai. But unhone apni sab experiments mein ek cheez conclude ki hai ki we learn each and everything by making mistakes and errors. Matlab hum mistakes karte hain, usme errors aati hain, hum usse experience gain karte hain aur fir next try karte hain. वुडवर्थ ने भी यही कहा है कि कोई प्रॉब्लम आने पर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं और फिर उसमें कोई ना कोई एरर आती है तो हम फिर ट्राई करते हैं और तब तक ट्राई करते जाते हैं जब तक कि हमें सॉल्यूशन मिल नहीं था. तो इसमें ये क्या इन्वॉल्व करता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कि आप कितनी बार अटेम्प्ट करते हो और हर अटेम्प्ट पे कितने एरर्स आते हैं. जैसे एक अटेम्प्ट किया उसमें कुछ एरर आया, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और फिर अटेम्प्ट किया, उसका ट्राई किया और फिर उसमें कुछ एरर आता है. तो आप इस तरह से कि आप कितनी बार अटेम्प्ट करते हो और उसमें हर अटेम्प्ट में कितने एरर्स आ रहे हैं. नेक्स्ट आता है मोटिवेशन, कि आप अपने गोल के लिए कितने मोटिवेट हो उसको गोल को अटेन करने के लिए, मतलब आप कितनी बार ट्राई करने के लिए रेडी हो बशर्ते कि कितने भी एरर्स आते हैं. थर्ड इज एक्सप्लोरेशन, मतलब आप रैंडमली सॉल्यूशंस ढूंढते हो, उसमें एरर आती है तो आप फिर से उसको एक्सप्लोर करते हो कि इसका क्या अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है. और रिवार्ड मीन्स कि जब आप वो सोल्यूशन मिल जाता है तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है. ऑब्वियसली जब पॉजिटिव रिवार्ड मिलता है तो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है तो आप मोटिवेट होते हो और जब आप नेक्स्ट टाइम उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो तो वो आप जल्दी ढूंढ लेते हो और आपको एरर्स कम आती हैं. ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है कैट का जो थॉर्नडाइक ने दिया है. इसमें यहां कैट है, कैट का फूड रखा है. कैट इस फूड को लेने के लिए डोर की ओर देखती है और ट्राई करती है उसको खोलने के लिए. अब इस एग्जांपल में स्टिमुलस रिस्पांस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अब ये फूड उसका स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है जो उसको एक प्रेरणा दे रहा है डोर को खोलने के लिए. और कैट ट्राई कोशिश करती है, कैसे कोशिश करेगी, अपने पंजों को ऊपर नीचे मारेगी. वो एक दिशा में मार रही है जहां पे उसको फूड दिख रहा है. जब वो पंजे मारती है तो वो एक स्ट्रिंग पे लग जाता है और डोर खुल जाता है. अब कैट का जो फूड था वो उसके लिए एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, एक उद्दीपक का काम कर रहा है, उसको एक प्रेरणा दे रहा है डोर को खोलने के लिए. और कैट का अपने पंजों को ऊपर नीचे मारना, दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश करना उसका रिस्पॉन्स है. इसलिए इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप ट्राई करते हो. दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी. थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए हैं. दीज आर प्राइमरी एंड सबॉर्डिनेट लॉज. प्राइमरी लॉज में आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप कितने ईगरली प्रिपेयर्ड हो, आप कितने रेडी हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि आपको जब प्रॉब्लम में एरर आती है तब भी आप उसको रेडी हो अगेन उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, कि आप रिपीटेडली कितनी बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रेडी हो बशर्ते कि उसमें एरर्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं. एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अफेक्ट, कि आप जो कोशिश कर रहे हो उसका आप पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है. ऑब्वियसली जब आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलते हैं तो आप उसको दोबारा से करने के लिए तत्पर रहते हो, आप रेडी रहते हो कि आप उसको और तरीके से भी करने के लिए स्वेच्छा से आप करते हो. नेक्स्ट आते हैं सबॉर्डिनेट लॉज. सबॉर्डिनेट लॉज में आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस, कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो आप उसको सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मल्टीपल रिस्पांस करते हो. लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, कि आप किस एटीट्यूड से एक प्रॉब्लम को देख रहे हो, कि आप कितने अपने गोल के लिए, गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट हो. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी. एनालॉगी का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की है उसके जैसी ही सिमिलर प्रॉब्लम जब आती है तो आपको पहले वाला सोल्यूशन कितना याद रहता है, कि आपने उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन किया या नहीं. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग. लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई और प्रॉब्लम आती है तो आपने जो पहले सॉल्यूशन ढूंढा है आप उसको एसोसिएट करते हो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, कि क्या उस सॉल्यूशन को आप वहां पे नई प्रॉब्लम में चूज कर सकते हो, अगर नहीं तो क्या उसमें कुछ चेंजेस करके उसमें चूज कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो. दैट इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग.
अब आते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपने टास्क आपको दिया जाता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आप सबसे पहले उसका इजी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो. जब आपको इजी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल पे देखते हो, फिर आप डिफिकल्ट लेवल पे जाते हो. तो ये एक वे मिल जाता है बच्चों को कि आप वीक स्टूडेंट्स को कैसे आप प्रॉब्लम देते हो, या स्टूडेंट जब प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो किस हिसाब से ढूंढते हैं. नेक्स्ट आता है कि विदाउट मोटिवेशन लर्निंग नहीं हो सकती. जब बच्चे को सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप उसको मोटिवेट करते हो, उसको कुछ ना कुछ आइडियाज देते हो, क्लूज देते हो, ताकि वो उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए ट्राई करे. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस लेट्स एंड मेंट टूवर्ड्स मेच्योरिटी. जब वो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं उनको एक एक्सपीरियंस गेन होता है, उनको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है. नेक्स्ट आता है द इफेक्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट. डेफिनेटली जब एक बच्चा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसको कुछ एरर्स आते हैं, वो उसको रहता है, उसको होता है कि वो सोल्यूशन इसका ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा. उस टाइम पे बच्चे को मोटिवेट करना और सोल्यूशन का थोड़ा सा क्लू मिलने पर भी उसको रिवार्ड देना कि येस यू आर डूइंग वेरी गुड, तो ये बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं. दिस थ्योरी मे बी फाउंड क्वाइट हेल्पफुल इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने के लिए रेडी नहीं होते, तो टीचर क्या करता है उनका इंटरेस्ट ढूंढकर उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉब्लम देता है ताकि वो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ट्राई हो. तो टीचर्स भी अपने मेथड्स को देखते हैं कि क्या वो उनके मेथड चेंज करने से बच्चे में कुछ चेंज लाया जा सकता है, बच्चे को समझने में हेल्प हो सकती है. तो ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन से टीचिंग थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के. अगर मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.